नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कंचन मिश्रा और आप देख रहे हैं कानूनी जंग न्यूज। चलिए रुक करते हैं आज के कुछ खास खबरों की तरफ। मुख्यमंत्री मक्का लूट की घटना पर काफी चिंतित, अन्नदाता से ऊर्जा दाता बनाने के बाद किसानों का मक्का लूट जाने लगा है। पूर्णिया में इथेनॉल प्लांट लगने के बाद बेगूसराय से कटियार के बीच मकई लूट की घटना शुरू हो गई है। नौगछिया में मकई लूट की घटना लगातार हो रही है। वहां के एसपी सुशांत सरोज स्वीकार कर रहे हैं बिहार सरकार में उद्योग मक्के की लूट की घटना पर चिंतित है। बोले कि पहले तो किसानों को मक्के की कीमत नहीं मिलती थी। देखिए, ये दिनांक 20 तारीख के रात्रि में एक ट्रक था मकई लगा हुआ WB87E1388, लगभग 32 टन मकई से लोड था और 0 माइल के पास से वो गाड़ी वहाँ पर देखा गया था। उसके बाद से गाड़ी वहाँ से गायब हो जाती है। फिर 22 तारीख को ये जो राजकुमार यादव है पंकज, वो हमारे पास आया था और बताया कि ये घटना मेरे साथ हुआ है और गाड़ी जो है जाह्नवी ट्यूब के पास लगा हुआ है। ये बात बताया, जानकारी होते ही मैंने मेरे SDPO साहब को बताया और मामला गंभीरता देखते हुए अविलंब कांड दर्ज किया गया और एक SIT गठन किया गया SDPO साहब के नेतृत्व में। उसमें अवकाश पर थे इंस्पेक्टर साहब, तो शिव प्रसाद रमानी जो प्रभार थे, गोपालपुर थाना प्रभारी नीरज, प्रभात कुमार थाना अध्यक्ष गोलबच्चा और प्रोविजनर सब इंस्पेक्टर चंदन और DIO की टीम, सभी को लगाया गया। हम पर्सनली इसको मॉनिटर भी कर रहे थे, तो जो हम लोग पास क्लू मिला उसमें मैनुअल हिंट भी हम लोग को पास मिला था, थाना पायलट गोलबच्चा को मिला था और फिर जो हम लोग वैज्ञानिक अनुसंधान, जहां कड़ी मशक्कत के बाद आक्रोशित ग्रामीणों को शांत करवाया, सरकारी मुआवजा दिलवाने का भरोसा दिलाया। आपको बता दें कि धर्मदेव मंडल को 2 पुत्र और 2 पुत्री हैं। हालांकि घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। भागलपुर से श्यामानंद सिंह की रिपोर्ट।